This program is sponsored by Oriental Solutions Private Limited. Paisa Smart, we are smarter. Shimla Biryani, Swad Zindagi Ka. Nirman Concrete, the complete concrete solution. Aminia, the taste you love. Calcutta Leather Complex Tanners Association, we care for the environment. Co-sponsored by B Sizzler Dresses Private Limited, growing with style. RCS Table Tennis Academy. Abhijakto Aitana Mondalan Sons. Zia Fashion Kolkata. मैं जनाब हिंदुस्तान में जो माहौल बन गया है, जो फिरकावाराना माहौल बन गया है, हिंदू मुसलमान काले गोरे ऊंच नीच जात पात की जो राजनीति हो रही है, गांधी जी ने हमेशा ये हम लोगों को सीख दिया। साउथ अफ्रीका के ज़मीन पर रहते हुए काले गोरे का जो फ़र्क है, जो इंसानियत का फ़र्क है, उन्होंने साउथ अफ्रीका में उस चीज़ को मिटाया। हिंदुस्तान में आने के बाद उस वक्त भी RSS अपने हाथ पर हिंदुस्तान में फैला रही थी, हिंदू मुस्लिम के मामला को उस वक्त भी गर्म कर रही थी, जात पात के मामला को उस वक्त भी गर्म कर रही थी, छोटा मोटा प्रोग्राम करते हुए आए हैं। तो बस वही जज्बा आज हम लोग को यहाँ खींच लाया है। और एक चीज़ हम देख रहे हैं आप लोगों के जो चेहरे पे, मैं देख रहा हूँ हमारी बहने की शक्ल पे, भाइयों की शक्ल पे, हमारे सीनियर के शक्ल पे देख रहा हूँ, एक दुख एक उदासी भी है आज हमारे दिल में। उनको कत्ल करने वाला कौन था? राजीव गांधी जी। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक शख्सियत, एक हिंदुस्तान का एक लीडर के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि राजीव गांधी को किसने मारा। हमारी हरदिल अजीज़ इंदिरा गांधी, उनको हलाक करने में किसका हाथ था? हम जानते हैं जैसे गांधी जी को उन्होंने गोली मारकर हत्या की, क्या वजह था, लेकिन हमारे फादर ऑफ द नेशन को मारा गया, किसने मारा? क्या वो मुसलमान थे? राजीव गांधी को जिसने मारा, उनके बाद में 4-5 बार और भी अटैक हुआ था, कौन थे वो? मुसलमान थे। न्यूजीलैंड की मस्जिद में जा रहा हूँ, आज गांधी जी का जयंती है, कि आज ऐसा भी दिन यहाँ पे आ गया है जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, लेकिन देखा गया यही है कि लास्ट जो 7 साल का जो आप लोग का पीरियड आप यहाँ पर राज कर रहे हैं बीजेपी सरकार से, मैं कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी कह चाहता हूँ, यह पहला मौका नहीं है, मैं मीडिया में खुलेआम कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे बेटी को बचाया नहीं है, आप लोगों ने बेटी के साथ रेप करने वालों को बचाया है। वो खुले लफ्जों में कह चुकी है कि आप किसी भी चीज़ से परेशान ना हो। बड़े दुख के साथ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि NRC में नाम को चेंज करवाने के लिए, नाम को टिक कराने के लिए, डॉक्यूमेंट को टिक करवाने के लिए लोगों ने लाइन में खड़े होकर 6 से 7 लोग हलाक हो चुके हैं। कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सदर मोहतरम गुलाम रब्बानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मोइन साहब भी मौजूद हैं, तबरेज़ साहब मौजूद हैं, इमरान साहब। बात यह है कि हिंदुस्तान में जब मुल्क आज़ाद नहीं था, हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े थे, उस वक्त हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महापुरुष महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की जो लड़ाई छिड़ी, उस लड़ाई में महात्मा गांधी नहीं थे बल्कि हिंदुस्तान के उलमा ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। मुसलमान का दंगा हो रहा था, हमारे आबादाद ने महात्मा गांधी को यहाँ पे लाया था और जमीन का नाम गांधी मैदान हुआ था और आज वो गांधी मैदान मंदिर है। महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने कौमी एकजुटी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल कर वो महात्मा गांधी के स्टेडियम के पास जाएंगे, उनके मुजस्मा के पास जाएंगे, वहाँ पर वहाँ गुलपोशी करेंगे।
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अमित शाह ने मुसलमान को उठाकर बाहर कर दिया NRC से, कि NRC जो है ओवरऑल सिर्फ मुसलमान के ऊपर ही लागू किया जाएगा, ठीक है, उसी तरह से मैं उनको जवाब देना चाहूँगा कि जैसे दूध में से मक्खी उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, तो उसी तरह से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और ममता बनर्जी आपको दूध में से मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक देंगी। NRC को आप अपना पहलू मत बनाइए। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अगर आगे लड़ें, और अगर लड़ना भी चाहते हैं तो एक बार आप जाकर दिल्ली में आप बैठते हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाकर एक बार पढ़े लिखे अगर आप हैं थोड़े से भी, तो आप जाकर देख लें कि वहाँ पर 90,000 से भी ज़्यादा स्वतंत्र सेनानियों का नाम लिखा है। उसमें जो है कम से कम 60,000 से भी ऊपर मुसलमान भाई बहनों का, माँ बाप का वहाँ नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने वहाँ पर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में मदद की थी, लड़ी थी, खून बहाया, पसीना बहाया। आज हमारी इस मिट्टी में उनका भी खून शामिल है, हमारे माँ बाप का खून शामिल है, बाप दादा का खून शामिल है। तो अगर आप ये चाहेंगे कि NRC को बेस करके हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। बराए मेहरबानी, अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है, खास करके ये बंगाल है, ये आपका बाप का नहीं है, इसलिए यहाँ से बाहर जाइए, जो करना है बाहर में कीजिए। महाराष्ट्र में आपका वो लागू नहीं है, NRC लागू नहीं हो रहा है, बिहार में भी लागू नहीं हो रहा है, बंगाल में भी लागू नहीं हो रहा है। सबसे पहले जो है, जैसे यहाँ पर हमारे CM ने कहा है कि यहाँ पर हम लोग NRC लागू होने नहीं देंगे, तो यहाँ पे लागू होगा नहीं। जो हमारी नेत्री बोलेंगी हम लोग वही करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, NRC को दूर रखिए, जैसे मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा था कि NRC को दूर रखिए, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना नाम को कनेक्ट करवाना, ये पहले भी ज़रूरी था, अभी भी है, फ्यूचर में करना ही है। क्योंकि तो कल को आप लोग कभी भी अगर पासपोर्ट बनाएं, कल को अगर आप लोग वोटर आईडी कार्ड नया से बनाएं, हमारी बच्चियाँ बड़ी होंगी तो वो पासपोर्ट बनाएंगी, वोटर आईडी कार्ड बनेगा उनका भी, तो कम से कम वहाँ पे नाम करेक्शन हो। क्योंकि ये हमेशा देखा गया है, NRC तो अभी आया है, लेकिन NRC को अभी देख रहे हैं हम लोग, सुन रहे हैं, लेकिन पहले जितना भी हमारा प्रॉब्लम था, हमेशा हम लोग देखा गया कि माइनॉरिटीज़ के साथ में नाम को गलत कर दिया गया है, कभी सुनते हैं कि जान के नाम को गलत कर दिया गया है, जान चूके किया गया, लेकिन ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो खास करके हम लोग अंदर में एडुकेशन को बेदारी भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखें कि अगर मेरा नाम शेख गुलाम रब्बानी अगर लिखा हुआ है तो क्या स्पेलिंग से लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ GOLAM, कुछ लोग लिख देते हैं GULAN, तो ये छोटा छोटा मिस्टेक को देखना बहुत ज़रूरी है, ये एलबो होने देंगे नहीं। अगर जवाब पड़ेगा तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और पूरी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की टीम रास्ते पर उतर जाएगी, रास्ता चक्का जाम कर देंगे, लेकिन NRC का निश्चय क्या हो, আমার আমি জিজ্ঞেস করছি আমি সাহায্য আপনি NRC করছেন কেন, মূল উদ্দেশ্য আপনার কী আছে, উদ্দেশ্যটা কী আছে, মুসলমানকে বাইর করবার জন্যে কি আপনাকে আপনি শুধু কারেকশন করবার জন্য করছেন, কারেকশন করবার জন্য নাম কারেকশন করবেন, ভালো কাজ করছেন, তো আপনি না কাজ করুন, NRC করবার জন্য দরকার কী এখানে, NRC শব্দটা নেওয়ার জন্য দরকার কী এখানে, অপারেশন করুন, চোখ অপারেশন করে আপনি দেখবেন কি হ্যাঁ মানুষটিতে কী দরকার আছে, কী লাভ আছে, কী নোকসান আছে। আপনি NRC নোটবন্দি আর বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযান করছেন, কিষাণ বাঁচাও, ডলার রেট কোথায় গেছে, পেট্রোল রেট কোথায় গেছে, অনিয়ন এন্ড পেঁয়াজের রেট কোথায় গেছে, ওসব দেখুন, যেটা খাওয়ার জন্যে NRC নিয়ে আমরা কি খাবো, NRC দিয়ে পেট ভরবো আমরা, NRC দিয়ে। মেরা নাম শেখ গুলাম রব্বানি, মানে অল ইন্ডিয়া উলামা বোর্ড কা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ডক্টর আব্দুল কালাম। সবসে পহলে তুমি বলনা চাহুঙ্গা কি NRC সে NRC কো লেকার পানিক হোনে কি জরুরত নেই। মোশন মে আমারি নেত্রী श्री ममता बनर्जी ने हमारे चीफ मिनिस्टर ने साफ तौर पे कह दिया कि जब तक बंगाल में TMC पार्टी है आपको NRC से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि NRC से सिर्फ और सिर्फ खतरा मुसलमानों को है, वो NRC के कैटेगरी में सिख को नहीं रखते, ईसाई को नहीं रखते, बुद्धिस्ट को नहीं रखे, जैनी को नहीं रखे हैं, और हिंदू धर्म को तो आप बात ही मत कीजिए। ये सिर्फ एक इन्होंने धुआं बना दिया है, एक अफवाह बना दिया है कि मुसलमानों के दिल में एक डर सा बैठ जाए कि BJP हुकूमत में जब तक है मुसलमान को एकदम गुलाम बनाकर रखना है। जैसे अब 370 को देख लीजिए, मोहम्मद इमरान खान से और मैं मेटिया भरू ब्लॉक माइंड सेल का प्रेसिडेंट। गांधी जी का मूर्ति को बाहर से निकाल दिया और यहाँ लाके कैद कर रखा। अभी हम लोग महात्मा गांधी के मूर्ति को ऑल इंडिया उस उलमा बोर्ड के तरफ से ऑल इंडिया महात्मा गांधी पीस मूवमेंट और बहुत सा तंजीम माइंडी सेल, ये तमाम लोग गांधी जी के मूर्ति पर, तमाम मीडिया लोग मौजूद हैं, मगर राजा बगान थाना यहाँ पर गेट पर ताला मार के रखा है। हम लोग गेट के बाहर मूर्ति का माला दान करेंगे और उसके बाद मीडिया को कहेंगे कि आप लोग राजा बगान थाना में जाकर इसका तस्वीर।